बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रूलर फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट। ये जे डॉट की नई फ्रेगरेंस है। इसकी प्राइस 10,400 रुपए के करीब करीब है। बहुत सारे मेरे भाई मुझे इसकी रिव्यू का कह रहे थे, तो जे डॉट का स्टोर मेरी एक्सेस में था, मैंने यहाँ पर विज़िट किया और इस फ्रेगरेंस को लगाया है। बाकी इसके डिटेल रिव्यू में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अगेन आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जेस डॉट के स्टोर, क्योंकि मेरी रीच में है, मैंने वहां पर विजिट किया और विजिट इसलिए किया कि बहुत सारे मेरे भाई मुझे कह रहे थे, अदील भाई जे डॉट के रूलर का रिव्यू बनाएं, हम आपका रिव्यू देखना चाहते हैं उसके ऊपर। बेसिकली जे डॉट के स्टोर पे मैं गया था, वो जो नमाज के लिए कैप्स होती हैं वो देखने के लिए गया था। वहां पर मुझे चाहिए थी, एक कैप चाहिए थी, तो वो देखने के लिए गया। तो मुझे याद आया यार, कोई 2-3 दिन से जो मेरे प्यारे भाई हैं वो मुझे कह रहे हैं, अदील भाई रूलर पे रिव्यू बनाए, रूलर पे रिव्यू बनाए, न्यू लॉन्च है जे डॉट की। तो ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर जानना चाहते हैं। इंट्रो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने उसकी बॉटल परचेज नहीं की, मेरी रीच में थी तो मैंने उसको मुनासिब समझा कि मैं जस्ट स्प्रे करके चेक कर देखें। मैं अपने चैनल पर स्टार्ट से 2-3 चीजों को रूल बनाकर चल रहा हूं। सबसे नंबर वन रूल तो आप लोगों को पता होगा कि खुशबू जब भी लगाएं सुन्नत के तौर पर लगाएं। दूसरी बात, मैं हर मतलब जो मेरा दूसरा रूल था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन जो कि लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब रहा। बहुत सारे लोग इस बात पे कन्विंस हो गए कि जे डॉट और ये जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं इनसे आगे जहां और भी हैं। बहुत सारे आपके हाउसेज इस तरह के मिडिल ईस्टर्न हाउसेज हैं जो कि वो खतरनाक किस्म की ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ही नहीं बना रहे, बल्कि कम प्राइस के अंदर इन फ्रेग्रेंसेस से भी, मतलब पाकिस्तानी जो ब्रांड है इनसे कम प्राइस के अंदर अच्छी फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं, जो कि आपको एक आम फहम जबान में बात की जाए जो लोग कहते हैं तो आपको इंग्लिश टच देती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जब व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कहते हैं दिल भाई हमें कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं जो कि इंग्लिश टच हो, जिसके अंदर इंग्लिश टच हो। ठीक है, तो मैं उन लोगों को फिर थोड़ा सा गाइड करता हूं। फिर जो लोग जे डॉट के बारे में या इस तरह की, मोस्टली पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिजाइनर ब्रांड कंसिडर किया जाता है फ्रेग्रेंसेस के लिहाज से, वो जे डॉट ही कंसिडर किया जाता है। खैर, अब तो बोनांजा सतरंगी भी आ गया, काफी ज्यादा ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन मेन जो कंसिडर किया जाता है वो जे डॉट कंसिडर किया जाता है। मैं खुद जे डॉट की फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की, जिनमें अभी मेरी जाती कलेक्शन में सिर्फ जे डॉट की अगर कोई फ्रेग्रेंस पड़ी हुई है तो वो जे डॉट का ये जानान गोल्ड एडिशन है। और ये भी मेरे पास 2016 का बैच है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये बॉटल मैंने 2016 के अंदर ली थी और उस वक्त भी मुझे अवेंटस मैंने लगाया हुआ था। तो मुझे एक दोस्त ने कहा था, यार ये वही फ्रेग्रेंस है ना जो जे डॉट की नहीं है, ये जानान है। आई वॉज लाइक सीरियसली, जानान कौन सा, जे डॉट कौन सा। फिर मैंने जे डॉट का स्टोर विजिट किया तो मुझे उन पर ये फ्रेग्रेंस मिली थी 2016 के अंदर। उस वक्त मैंने ये फ्रेग्रेंस रखी हुई है, आज भी इसके अंदर कोई इतना सा जूस, इतना सा कोई 20-25 ml मैक्सिमम जूस इसके अंदर होगा एंड इट इज वेरी पोटेंट, वेरी 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 पोटेंट। मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो इनकी कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन जो इनका अब के जानान के बैचेस हैं खुशबू तकरीबन सेम है। द ओनली प्रॉब्लम इज द लॉन्गजीविटी एंड प्रोजेक्शन, बिल्कुल लास्ट नहीं करते, बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करते। क्या किया जा सकता है, ये फ्रेग्रेंस में गारंटीड 8 घंटे इसकी लॉन्गजीविटी मुझे मिलती है और प्रोजेक्शन ठीक ठाक मिलती है। ठीक है, और ये क्योंकि पुरानी भी है तो इसलिए, तो मैं जे डॉट की फ्रेग्रेंसेज नहीं बाय करता। मैंने प्लैटिनम का रिव्यू बनाया, वल आलम मुझे नहीं समझ आती। मैं जे डॉट के स्टोर पे गया प्लैटिनम लगाकर, मुझे खुद कभी कभी हैरानी होती है कि मुझे वो क्यों, उसमें ना वो वाइब आई थी नवाब अफूद की, लेकिन मैंने उसको डिनाई भी किया। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे मैं दोबारा जे डॉट स्टोर पे गया, बल्कि मैंने जिन जिन फ्रेग्रेंसेज का मुझे शक था मैं वो चारों फ्रेग्रेंसेज लगाकर गया। इधर मैंने वो लगाई थी नवाब अफूद लगाई, यहां पर मैंने मंतवाको लगाई, मुझे लगा कि उसकी भी क्लोज हो सकती है। यहां पर मैंने लगाई जो बेसिकली जिसका वो इमेजिनेशन लगाई, और यहां पर फिर जब जाकर मैंने लगाई प्लैटिनम, जानान गोल्ड प्लैटिनम, तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये वाकई प्लैटिनम से मिलती है, एंड आई एडमिटेड दैट। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे पिन पॉइंट किया। तो आज जब मैं उनके स्टोर पर गया और मैंने ये फ्रेग्रेंस चेक की तो मुझे लगा नहीं, मुझे पहले इसको लगाकर चेक करना चाहिए, मैं इसके बारे में, मतलब मैं इसके रूलर के बारे में
परचेज करने के बारे में बाद में सोचूंगा, और परचेज करने के बारे में अगर मैंने सोचा भी तो वो इसलिए कि मैं उसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे वाज के तौर पर, एक बड़ी प्यारी एक डेकोरेशन पीस के तौर पर रख सकता हूं। फ्रेग्रेंस वाली कहानी तो उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। अच्छा, मैंने दिन को तकरीबन 2:30 बजे के करीब यहां पर ये फ्रेग्रेंस लगाई, और अभी तक लगभग 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। मैं गाड़ी पर गया था, लेकिन मेरा धूप में भी इंटरेक्शन हुआ, मेरा आउटडोर इंटरेक्शन भी हुआ, जे डॉट के स्टोर पर भी मैं काफी देर रुका, फिर मैंने वो क्योंकि कैप सर्च करनी थी, और उसके बाद मैं वहां से निकलकर घर आ गया हूं। घर आकर मैंने एक आध बार वुजू भी किया है, और यहां पर मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी थी, उस फुल स्लीव शर्ट के ऊपर यहां लगाई थी, लेकिन उसमें से खुशबू ऑब्वियसली आपकी स्किन तक आती है। और एक स्प्रे मैंने यहां, दो स्प्रे यहां पे किए, दो स्प्रे यहां और 3 स्प्रेज यहां। आप अपने जे डॉट के नियरेस्ट स्टोर पे विजिट करें, और आपको जब ये फ्रेग्रेंस मिलती है तो सबसे पहले इसको ट्राई करें। उसकी रीजन, प्लैटिनम के बारे में मैंने क्लेम किया था, प्लैटिनम के बारे में कि ये मुझ पे 6 से 7 घंटे चली है, 5 से 6 घंटे कर लें चली है, लेकिन आज मैंने वही प्लैटिनम लगाई है, इतनी स्ट्रांग खुशबू आ रही है। सेम टाइम 2 बजे लगाई, अभी 7 बज रहे हैं, 5 घंटे गुजर चुके हैं, और स्टिल मुझे ये इतनी स्ट्रांग लग रही है कि मुझे लग रहा है रात को 10-10:30 बजे तक ये फ्रेग्रेंस चलेगी। प्लैटिनम के नीचे आप कमेंट चेक करें, मेरे नहीं, लोगों के, तो आपको समझ आएगी। कुछ कहेंगे अदील भाई 1 घंटे से ऊपर नहीं चली, कुछ कहेंगे अदील भाई यार ये तो 24 घंटे चलती है, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी केमिस्ट्री। आप अदील इम्तियाज को मत कहें कि अदील इम्तियाज ने इसका रिव्यू बना लिया, जे डॉट से पैसे ले लिए, आप जाए जे डॉट के स्टोर पे। अगर नहीं तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपसे अकॉर्डिंगली उसी तरह शेयर करूंगा जिस तरह मेरे साथ हुआ है। 2 स्प्रे यहां पे और 3 स्प्रेज यहां पे, क्योंकि पहला स्प्रे लिटरली मिस हो गया था, तो 2 स्प्रेज 2.5 स्प्रेज यहां पे कर लें, 2.5 और 2 स्प्रेज यहां पे, 5 स्प्रेज। ये फ्रेग्रेंस अभी 5 घंटे गुजरने के बाद बस इस तरह लग रहा है कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये शहीद होने वाली है, जबकि ये फ्रेग्रेंस प्लैटिनम स्टिल स्ट्रांग है। और लेकिन मैं आपको लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप जे डॉट के स्टोर पे पहले विजिट करें। ओके, अपने रूलर की तरफ आते हैं। मैं जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस नहीं खरीदता, मेरी रीच में है मैं जाके लगा के चेक कर लेता हूं, थोड़ी बहुत आप लोगों को खुशबू डिफाइन कर देता हूं। स्टार्ट के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह हर्बल स्पाइसी सी इसकी खुशबू है। स्टार्ट में थोड़ी बहुत सिट्रसी लगती है, ग्रेप फ्रूट की तरह कड़वी सिट्रसी सी होती है। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर हर्बली स्पाइसी, जिस तरह अजवाइन की खुशबू होती है, जिस तरह गरम मसाले की सी खुशबू होती है, हल्की फुल्की, लेकिन हर्बलिश साइड पे, ग्रीन हर्बलिश साइड पे ज्यादा जाती है। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह वनीला को डस्टी वनीला की खुशबू, जिसमें एक मिट्टी की शदीद तेज खुशबू और उसके साथ वनीला की खुशबू, तो ये जो खुशबू आती है इसके थर्ड फेज में आती है फिर। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू की डेफिनेशन। जो मुझे जो फील हुआ मैं फिर कहूंगा कि ये मुझे फील हुआ, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये पेरियालस 360 फॉर मेन ब्लू बॉटल, नॉट द रेड बॉटल, पेरियालस 360 फॉर मेन के ज्यादा करीब लगी। और वो फ्रेग्रेंस वेरी इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, ये भी वेरी इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस लगी मुझे। इन सम केसेस ये थोड़ा सा हर्बलिश ग्रीन स्पाइसी होने की वजह से शायद थोड़े लोगों को पसंद ना आए, बट स्टिल ये अच्छी खुशबू रही। ओके, ये तो हो गया। मैं लॉन्गजीविटी की बात नहीं करूंगा, मैं प्रोजेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं एज और जेंडर की बात जरूर कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये एक 25 एंड अबव के एज ब्रैकेट है इस पे। और अगर हम बात करें जेंडर की तो एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है। लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन आप लोग चेक करें, मुझ पर 5वें घंटे में ये लिटरली खत्म होने वाली। खैर, मैंने वुजू भी किया था तो मैं ये आपको कह सकता हूं कि 5 घंटे के बाद बस ये खत्म होने वाली है मुझ पर। बाकी आप लोग मुझे बताएंगे चेक करके, खुशबू अच्छी है, प्यारी खुशबू है। लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन की बात नहीं की, वेदर और ओकेजन की बात कर लेते हैं। चलें, वेदर मुझे लगता है कि ये ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस है, लेकिन क्योंकि फॉल एंड विंटर आ गए तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। और जहां तक रही बात आपकी ओकेजन की, तो आई डोंट हैव एनी इशू कि आप इस फ्रेग्रेंस को किसी भी ओकेजन पे लगा सकेंगे या नहीं। एक बार फ्रेग्रेंस लगाकर जितना मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता था मैंने किया। मैं नहीं खरीदता भाई जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस, माजरत के साथ मैं नहीं खरीदता, और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मैं उनके स्टोर पे विजिट कर लेता हूँ, फ्रेग्रेंस लगा लेता हूँ, वो मुझे वीडियो बनाने की इजाजत दे देते हैं, मैं वहीं पे वीडियो बनाकर और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ।
आप लोग देख ले, मैंने जिस तरह इसकी खुशबू डिफाइन की है, अगर आपको उस तरह की खुशबू पसंद है तो खरीद लें जे डॉट की कोई भी खुशबू, वरना मेरे कोई 600 परफ्यूम्स के रिव्यू जिनमें डिजाइनर, क्लोन, नीश, अतर 250 रुपए तक के अतर से लेके 2.5 लाख रुपए की फ्रेग्रेंस मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू की हुई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल का जो थीम स्टार्ट से रखा हुआ है कि सितारों से आगे जहां और भी है, मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। और अगर कोई जे डॉट की बेहतरीन फ्रेग्रेंस आती है, मुझे लगता है आप लोगों को प्लैटिनम ट्राई करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं अपनी इस राय पे कायम हूं। और मजे की बात, उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, आदिल भाई खुशबू बहुत जबरदस्त है, आपने 5 घंटे क्लेम किया अपनी वीडियो के अंदर के 5 घंटे, हम पे तो 12-12 घंटे चलती है। तो यस, प्लैटिनम को एक ट्राई दें। रूलर और प्लैटिनम में से अगर कोई रिसेंट में से कोई सिलेक्ट करनी हो, आई वुड गो विद द प्लैटिनम, नॉट विद द रूलर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया, आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया कि मैं जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस क्यों नहीं रिव्यू करता, मैं खरीदता ही नहीं हूं तो मैं रिव्यू। हाँ, इस तरह अगर आप लोगों को पसंद आता है कि मैं जे डॉट के स्टोर पे विजिट करूं, उसको लगाऊं, ट्राई करूं और आप लोगों के लिए रिव्यू बना दूं, तो वो मैं करता रहूंगा। कोई भी रिसेंट लॉन्च मुझे करीब पड़ती है, F7 के अंदर है जे डॉट का स्टोर, तो मैं F7 के अंदर जाकर ये काम कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। F7 ना हो गया तो F10 हो गया, तो कोई ऐसे जैसा मसला नहीं है, दोनों करीब पड़ते हैं मुझे। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा जे डॉट का रूलर का रिव्यू, बट स्टिल आई वुड से कि आप इसको ट्राई बिफोर बाय। थैंक यू सो मच।